हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके ऊपर जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ट्रिक्स वगैरह होती है उनके रिगार्डिंग हम पर वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आपको लॉन्ग समय तक याद रहे और क्वेश्चन आप अच्छे से अटैम्प्ट करके उसको सही कर सको। तो आज उसी के रिगार्डिंग अपन वीडियो लेके आए हैं जो सीड टेक्नोलॉजी से है, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सीड की क्लासेस होती है उनके अंदर कौन सा टेक कौन सी क्लास में पाया जाता है या कौन सी क्लास किसके बाद में आती है। फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो इस कन्फ्यूज़न को सॉल्व आउट करने के लिए अपन आज वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सीड टेक्नोलॉजी। जो सीड टेक्नोलॉजी में से फ्रेंड्स जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है जो इसके एक्ट होता है, एक तो एक्ट होता है उससे पूछा जाता है और दूसरा होगा जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश हुआ था उसका होता है। तो जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन था वो 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था और जो नेशनल सीड एक्ट लगा था वो पास हुआ था वो 1966 के अंदर। फ्रेंड्स, ये मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऑलमोस्ट सभी 99% कंपिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ये सीड एक्ट कब एक्ट लगा था और जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन था वो कब हुआ था। तो इससे आप दोनों को ये दोनों डेट क्लियर रखना फ्रेंड्स, इनको याद रखना। चलो इससे आगे अपन स्टार्ट करते हैं जो अपना मेन टॉपिक था कि जो क्लासे क्लास ऑफ सीड जो अपनी सीड की क्लासे थी तो उनसे अपन करेंगे स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक ट्रिक याद रखनी होगी जिसके अंदर आपको याद करना होगा नेशनल बॉर्डर फोर्स, नेशनल बॉर्डर फोर्स। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये ओनली सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, एन बी फोर्स। एन फोर हो जाएगा न्यूक्लियर सीड, बी फोर हो जाएगा जो ब्रीडर सीड होता है, एफ ओ का मतलब हो जाएगा फाउंडेशन सीड और आर का मतलब हो जाएगा रजिस्टर्ड सीड और सी का मतलब हो जाएगा सर्टिफाइड सीड। सी ई आएगा वो सर्टिफाइड सीड के लिए आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोगों को याद क्या रखना है कि एन बी फोर्स, इस चीज़ को याद रखना फ्रेंड्स, एन बी फोर्स ने न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, ये फाउंडेशन सीड और ये रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये क्लासें एकदम सीक्वेंस वाइज याद हो गई होगी फ्रेंड्स, क्योंकि नेशनल बॉर्डर होती है वो याद रखना कि नेशनल बॉर्डर जो नेशनल बॉर्डर पे होते हैं फोर्स लगी हुई होती है उनसे याद रखना, एन बी फोर्स जो नेशनल फोर्स है नेशनल बॉर्डर की फोर्स है उससे। चलिए फ्रेंड्स, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं अपन। अब आते हैं कि न्यूक्लियर सीड, जो न्यूक्लियर सीड के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है वो बस ओनली फॉर, इसके अंदर कोई टैग वगैरह नहीं होती, न्यूक्लियर सीड होता है। इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो फ्रेंड्स 100% होती है। जो इसकी जेनेटिक होगी ना, जो प्योरिटी होगी ये 100% होगी। और इसके अंदर जो याद होगी, ये पहली बात तो ये होता है कि ये जो सीड तैयार करता है वो ब्रीडर रिसर्च के अंदर जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अंदर तैयार करते हैं, तो इससे जो पूछा जाता है इसकी प्योरिटी के लिए पूछा जाता है। अब आते हैं अपन नंबर सेकंड, जो ब्रीडर सीड होता है तो ये क्या होता है कि इसको कई बार पूछा जाता है कि इट इज़ ए प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियर सीड। तो ये न्यूक्लियर सीड होता है उसकी प्रोजेनी होती है, जो इसकी अगली पीढ़ी होती है जो इसकी प्रोजेनी होती है वो न्यूक्लियस सीड की होती है। ये प्रोजेनी जो कई बार पूछा जाता है कि प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियर सीड क्या है, तो उसको हो जाएगा ब्रीडर सीड। तो आप जैसे ही इसका सिक्वेंस याद रखोगे तो जो फर्स्ट आएगा वो पेरेंट हो जाएगा और वो जो नीचे आएगा उसकी प्रोजेनी 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 आती जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको इससे आपको कोरिलेट करके कोरिलेट क्या याद करके हो जाएगा इससे। ब्रीडर सीड इज यूज टू प्रोड्यूस फाउंडेशन सीड, और जो ब्रीडर सीड होता है इसी से ही प्रोड्यूस होता है कौन सा, फाउंडेशन सीड। जैसा कि मैंने बताया कि जो फर्स्ट होगा वो हो जाएगा पेरेंट हो जाएगा और बाकी जो सब होंगे उनके प्रोजेनी हो जाएंगे। तो अब श्योर सी बात है कि अगर ब्रीडर की प्रोजेनी आएगी तो उसके लिए ये पेरेंट मटेरियल का काम करेगा, तो जिससे कि आपको याद हो जाएगा। तो इसे प्रोड्यूस क्या होगी, फाउंडेशन सीड। जेनेटिक फिजिकल प्योरिटी इज द ऑलमोस्ट सेम ऑफ द न्यूक्लियर सीड, जो ब्रीडर सीड होती है उसके अंदर भी जो इसकी प्योरिटी होती है जेनेटिक और फिजिकली प्योरिटी होती है जो इसके बराबर होती है, मतलब कि 100%। जो ये कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स कि ब्रीडर सीड की प्योरिटी कितनी होती है, तो 100% याद रखना। अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं और इससे याद करते हैं इसकी जो टैग आती है, जो मेन मोस्ट है अपना कि टैग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ब्रीडर के अंदर जो डर दिख रहा होगा, डी ई आर,
तो आपको पता है किसी को भी डर लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, लाल पीला, तो पीले से याद आ जाएगा गोल्डन येलो, येलो टैग इसी का है और किसी का नहीं है फ्रेंड्स। तो अगर किसी को डर लगेगा तो वो लाल पीला होएगा, और लाल पीला होने से क्या आ जाएगा, ये पीला पीला से येलो। फ्रेंड्स मेरे को लगता है कि आप शायद लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे इस चीज़ को। अब आते हैं जो अपनी मोस्ट क्लास है, जो थर्ड क्लास है, जो फाउंडेशन सीड, जो कि आप लोगों को पता ही, अगर इसकी ये किसकी प्रोजेनी होगी, चोर जी बताएगी, जो पेरेंट होगा उसकी प्रोजेनी क्या होगी, इसका पेरेंट ब्रीडर हो गया और ये किसकी ब्रीडर की प्रोजेनी हो जाएगी फाउंडेशन सीड, तो ये तो हो गया इसका प्रोजेनी। और इसकी जनरली जो जेनेटिकली प्योरिटी होती है वो 19.9, मतलब कि ऑलमोस्ट 100 होती है, लेकिन 100 माना नहीं जाता है, ये 99.9 या फिर 98% तक माना जाता है इसको, तो ये याद रखना। और जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि इसका जो टैग होगा जो होगा वाइट, तो आपने साइंटिस्ट का नाम तो सुना ही होगा, FW वेंट, तो FW वेंट से याद रखना, F और फाउंडेशन सीड और W आएगा, तो W से क्या हो जाएगा वाइट। शायद ये FW वेंट तो हर किसी के मुंह के ऊपर रहता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर में आता है, जो साइंस पढ़ता है, उसके मुंह के ऊपर ये शब्द जरूर रखता है कि जो साइंटिस्ट का नाम है FW वेंट, उसका नाम जरूर रहता है। तो इससे कोरिलेट करके आप W से वाइट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आते हैं अपन जो फोर्थ है वो है, हाँ, रजिस्टर्ड सीड। तो जो रजिस्टर्ड सीड है, जो आपको पता ही चल गया होगा कि ये किसकी प्रोजेनी होगी, ये तो पता ही चल गया होगा कि ऑलमोस्ट नॉर्मल सी बात है फ्रेंड्स कि अगर ये प्रोजेनी होगी तो फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी होगी, और जो रजिस्टर्ड सीड होगा, जो जो फाउंडेशन सीड होगा उसे ही ये रिलीज किया जाएगा, है ना। और इसका जो कलर होगा, जो टैग होगा, जो पर्पल होगा, इसका जो टैग होगा फ्रेंड्स पर्पल होगा। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो रजिस्टर्ड सीड से पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सा टैग लगता है, तो वो टैग होगा इसका पर्पल। तो अब मैं एक चीज़ आप लोगों को पता है कि अपन जो भी ये वीडियो बनाते हैं, अपन ऑलमोस्ट अपना एक ही मोटो रहता है कि अपने को कैसे भी याद हो, तो अपना फर्स्ट मोटो रहता है कि क्वेश्चन को याद करने का तरीका, चाहे ट्रिक कैसे भी हो। तो आज अपन इसके अंदर जो ट्रिक काम में लेंगे वो ये है, सॉरी फ्रेंड्स, जो इसके अंदर जो ट्रिक काम आएगी, तो इसकी जो ट्रिक होगी फ्रेंड्स, अपने को कोरिलेट करना है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, तो अपन किसी भी चीज़ की ट्रिक बना सकते हैं। तो पर्पल से आप याद करो, किसी को आपको प्रपोज करना है फ्रेंड्स, तो अगर आप किसी को प्रपोज करोगे तो श्योर सी बात है कि इतनी हिम्मत करके प्रपोज करोगे तो वो राजी ज़रूर होएगा। तो राजी से ये रजिस्टर्ड कोरिलेट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, प्रपोज करने से वो राजी हो जाएगी। या आपको पता हो तो अपन किसी को प्रपोज करते हैं और फिर उसको शादी के लिए, यानी कि वो रजिस्टर्ड हो जाती है एक तरीके से कि हाँ भाई ये बंदी इसकी है या ये बंदा इसका है, तो उससे कोरिलेट करके फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। और अपना मेन मोटो रहता है वो टैग क्वेश्चन सही करने का, तो ऐसा मत सोचिएगा फ्रेंड्स कि ट्रिक होनी चाहिए कैसे भी हो जाए। तो चलिए, टैग पर्पल से याद आ गया कि अपन आप किसी को प्रपोज करोगे तो वो आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा कि यहाँ ये बंदा आपका, ये बंदी आपकी है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं, जो सर्टिफाइड सीड होता है तो उसका होता है ब्लू। तो ये फ्रेंड्स आप लोग याद कर लेना, या फिर इसके लिए भी कुछ ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और जो मैं एक चीज़ और बताता हूँ फ्रेंड्स, कि आज अपन ने जो बात की, जो सीड टेक की बात की, अब नेक्स्ट वीडियो आएगा जो सीड टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इसके तीन वीडियो होंगे हाईएस्ट, तो तीन वीडियो के अंदर हमें अभी सभी सीड टेक्नोलॉजी कम्प्लीट हो जाएगी, कम्प्लीट ट्रिक्स हो जाएगी। फिर तीनों वीडियो होने के कंप्लीट बाद में जो अब नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, जो सीड वायबिलिटी टेस्ट के लिए हो जाएगा, और जो जेनेटिक प्योरिटी होगी उसके लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो कंप्लीट हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से, और जो डोरमेंसी के लिए, ब्रेकिंग के लिए आते हैं, वो हो जाएगा एक वीडियो। तो फ्रेंड्स दोनों के लिए ट्रिक बना के दो वीडियो के बाद में मैं आप लोगों को जो सी टेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के थ्रू। और PDF चाहिए तो PDF के लिए कमेंट कर सकते हो, वो PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।